हाय एवरीवन, मेरा नाम यश कुमार सिंह, आपके लिए लाया हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ऑसिरिस रेक्स मिशन क्या है? यह नासा का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य प्राचीन सूर्य ग्रह से एक नमूना वापस करना है। मिशन अनिवार्य रूप से 7 साल की लंबी यात्रा है और इसका निष्कर्ष तब निकलेगा जब कम से कम 60 ग्राम नमूने वापस पृथ्वी पर पहुँचा दिए जाएंगे। नासा के अनुसार मिशन अपोलो युग के बाद से हमारे ग्रह पर सबसे बड़ी मात्रा में लौकिक सामग्री लाने का वादा करता है। मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था, यह 2018 में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और तब से अंतरिक्ष यान शूद्र ग्रह के वर्ग का मिलान करने के लिए छोटे रॉकेट थ्रस्टर्स का उपयोग करके इसे मिलान का प्रयास कर रहा है। इसने सतह का सर्वेक्षण करने और नमूने को लेने के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए इस समय का उपयोग किया। मंगलवार को टच एंड गो सैंपल एग्जीबिशन मैकेनिस टैग SAM नामक अंतरिक्षयान के रोबोटिक आर्म ने एक नमूना स्थल पर टैग शूद्र ग्रह का प्रयास किया जो कुछ पार्किंग स्थलों में से बड़ी नहीं है और एक नमूना एकत्र किया। अंतरिक्षयान में बेनु का पता लगाने के लिए 5 उपकरण शामिल हैं जिसमें कैमरे, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर अल्टीमीटर शामिल है। मिशन के लिए प्रस्थान खिड़की 2021 में खुलेगी जिसके बाद पृथ्वी पर वापस पहुंचने में 2 साल लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।